स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो इंडिया टीम में काफ़ी अच्छे परफॉर्म आज के दिन कर चुके हैं और आने वाले इस वीक में भी आप उनको फोकस में रखकर चल सकते हो। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है RBNL। वैसे तो देखा जाए RBNL का एक टारगेट बन रहा था कि 380-385 तक का, लेकिन इसने हाई बहुत ज़्यादा बना दिया इंडिया टीम में 399 तक का। तो आप अब इसका जो अभी इसकी लेटेस्ट प्राइस जो उसका ट्रेड कर रही है 379 रुपीज़ पे, तो ये इसका टारगेट प्राइस आप गए 400 रुपये का, 450-450 तक के रेंज का लेकर चल सकते हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस गए आपको 363 का लेकर चलना है। ये चीज़ समझ में आई। अब नेक्स्ट स्टॉक गए निकल कर आया था अडानी पोर्ट की बात करें तो अडानी पोर्ट में भी आज के दिन काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है। तो गए अडानी पोर्ट को आप लोगों को इसका ना फ्यूचर ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। RBNL को कैश में ले लेना और अडानी पोर्ट का फ्यूचर ऑप्शन बाय करना, जिसमें आपका जो टारगेट प्राइस कम से कम निर्भर 1470 तक का होना चाहिए गाइस, और स्टॉप लॉस आप इसका 1400 लेकर चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक गाइस हमारा निकल कर आता है GMR एयरपोर्ट। गाइस GMR एयरपोर्ट को आप ऑप्शन में बाय करके चल सकते हो। देखिए, इसने भी काफ़ी ज़्यादा 19 से ज़्यादा अपना हाई टच कर लिया, तो आप इसका नियरेस्ट टारगेट प्राइस 95 रुपये लेकर चलिएगा और स्टॉप लॉस इसका आप इसका 4 पॉइंट या 2 पॉइंट्स नीचे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये 89 पर ट्रेड कर रहा है, तो मैं आपको बताऊँ इसका स्टॉप लॉस आप नियर अबाउट 87 लेकर चल लीजिए, लेकिन टारगेट कम से कम आपका 90 से लेकर 95 तक के बीच का होना चाहिए, ठीक है। ये नियरेस्ट है गाइस, देखिए क्वांटिटी डिपेंड करता है आप लोगों को कितनी बाय करनी है। नेक्स्ट स्टॉक गाइस हमारे अंकल कहते हैं स्टॉपक्राफ्ट के बाद में बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, 493 पे चल रही है। गाइस इसका आप टारगेट प्राइस 516 लेकर चल सकते हो और स्टॉप लॉस गाइस इसका 490 लेकर चलना है, ठीक है। 490 मतलब 493 भी चल रहा है तो आपको इसके आसपास का ही 490 लेकर चलना है। एंड गाइस सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट आप किसमें करके चल सकते हो, ट्रेंड में। ट्रेंड काफ़ी अच्छा स्टॉक गाइस निकल कर आता है, आप इसके अंदर कम से कम 6 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। टारगेट आपको 5500 का रखना है, ड्यूरेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। गाइस अगर देखिए 6 मंथ का ट्रेड करो तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत तो है नहीं, 5500 जरूर ट्रेड टच करेगा क्योंकि अभी ये 4600 पर ट्रेड कर रहा है एंड हाई इसका इसने 4760 बनाया हुआ है। गाइस अब आ जाते हैं हम इस पर। देखिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारा MM फोर्जिंग। गाइस MM फोर्जिंग ने आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखाया है, तो इसका टारगेट प्राइस कम से कम देखिए नियरेस्ट कभी क्लोज हो 1127 पर। इसका टारगेट प्राइस 1130 से ऊपर का बनता था और इसने उसको ब्रेक कर दिया 1150-60 तक के लेवल को, 1295 देखने को मिले, 14% की तेज देखने को मिली है। तो आप भी कह सकते हो कि करेक्शन जब होगा तब आप सेम प्राइस पर आप इस पर एंट्री करके चल सकते हैं, लेकिन अभी करेक्शन होने के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं, तो उसका टारगेट प्राइस आपका नियरेस्ट 1320 होना चाहिए, ठीक है। ये कम समय के लिए मैं बता रही हूँ, स्टॉप लॉस आप सेम इसका अभी 1100 या 1105 रुपये लेकर चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस काफ़ी अच्छे स्टॉक जो नज़र आते हैं ऑटो इंडस्ट्री के, मुंजर ऑटो इंडस्ट्री निकल कर आती है जो कि पैनिक का स्टॉक है, ठीक है। स्मॉल कैप है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, आज के दिन 3% तेज़ी देखने को मिली है। तो आप लोगों का इसका नियरेस्ट जो हाईएस्ट जो टारगेट है वो 90 रुपये रहना चाहिए और स्टॉप लॉस इसका गाइस 81 रुपीज़ लेकर चल सकते हो। गाइस ये सब नियरेस्ट टाइम के टारगेट बता रही हो, अगर आप अचीव करो तो देखिए मैक्सिमम देखा जाए तो 1388 का इसने रिटर्न दिया, काफ़ी अच्छी कंपनी है, पिछले 5 साल में 69% का रिटर्न दिया क्योंकि 2019 से अभी तक यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं जो नज़र आया। नेक्स्ट गई कंपनी नजर आते हैं हमें सेलोवर्ट की बात करें तो इसमें 3.5% की तेजी देखने को मिली और इसका भी आप टारगेट प्राइस 955 से लेकर स्टॉप लॉस 900 लेकर चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट गई कंपनी अगर आप देखोगे तो निकल कर आती है। देखिए सेलोवर्ट्स की अगर मैं बात करूँ 6 महीने में इसने 8% का रिटर्न दिया, ज़्यादा कुछ इसका मूवमेंट ना नहीं था, तो उसने हाई भी 963 बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जैसे कि अभी 886 पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसको 950-955 का टारगेट लेकर चलिए। गाइस नेक्स्ट अगर आप देखोगे टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, कैश में बाय कर सकते हो एंड इसका टारगेट प्राइस गाइस 1100 से 1020 तक का लेकर चलिएगा, स्टॉप लॉस आप इसका 1073 लेकर चल सकते हैं। गाइस देखिए ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए कुछ ऐसे स्टॉक में ढूंढ के लेकर आई हूँ जिसमें स्टडी मैंने किया है कि आप इन स्टॉक को कैसे बाय करके चल सकते हो, स्टॉप ऑप्शन में लेना है कि नहीं लेना है, कैश में लेना है, कैसे लेना है। देखिए टारगेट मैंने हमें देखिए कंपनियाँ अच्छी हैं और आपने ये भी देखा होगा कि जो जो मैं टारगेट प्राइस बता रही हूँ इन्होंने वो चीज़ें अचीव करी है और कुछ करने वाले हैं, ठीक है। अब दिव्यश लैबोरेटरी की बात करूँ तो आज के दिन 3.5-4% की तेजी लगा लीजिए और इसका टारगेट प्राइस भी आप नियरेस्ट कम से कम 4300 का रखिएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप इसका रख सकते हो 4240 तक का, ठीक है। ये चीज़ें आपको नज़र समझ में आ रही है ना।
एंड नेक्स्ट गाइस हमारी हिंडाल्को इंडस्ट्री निकल के आती है। हिंडाल्को इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी आज के दिन वूमेन देखने को मिला है। एंड इसका टारगेट प्राइस आप इसका 680 से लेकर 685 तक के बीच का रखिए, और स्टॉप लॉस गाइस कम से कम आप लोगों का 8 पॉइंट नीचे आप रख सकते हो, ठीक है, बाकी वो खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस हमारी जो कंपनी निकल के आती है वो है जाइडस लाइफ केयर। जाइडस लाइफ केयर की बात करूँ तो गाइस इसका टारगेट प्राइस आप लोगों को 1300 रुपये रखना है। एंड एक्चुअल में क्या गाइस अभी जिस स्टोर में मिल रहा है ना अभी उस टाइम पे आप बाय कर लो, ठीक है, टारगेट 1300 है। ड्यूरेशन कम से कम लगा लीजिए आप, अगर आपको अभी भी बाय नहीं करना आपको लग रहा है इसने हाई देखिए 1086 बनाया, देखिए करेक्शन हो जाए तो हमारी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है। 1300 तो आप 1300 लेकर 1350 तक का इसका हाई मान के चलो, और कम से कम 6 से थोड़ा मोर देन मंथ के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। अशोक लेलैंड की बात करूँ ये बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस, 5.5% की तेजी देखने को मिली है और इसका टारगेट प्राइस नियर अबाउट आपको 250 लेकर या 300 तक का लेकर चलना है इस रेंज का, और इसका ड्यूरेशन भी 6 मंथ प्लस आप लेकर चल सकते हो, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। ये कुछ कंपनियाँ थी जिनको आपको अपने डायल लेवल पर लेकर चलना है, बाकी गाइस इनके बारे में अगर आपको लगता है स्टडी करनी है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये जितने भी स्टॉक्स में चुन के लेकर आई ना, ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि इन कंपनीज के बारे में मैंने पहले अपनी चैनल पे बताया हुआ, आप चेकआउट करके चल सकते हैं। एंड सेकंड स्टॉप लॉस टारगेट बताने का ये रीज़न था कि आप इस वीकली आप इसको इंट्राडे में या जो मैंने बताया आपको 6 मंथ या 6 मंथ से प्लस स्विंग ट्रेडिंग के वे में आप इसको ट्रेड करके चल सकते हो। सो गाइस एज यूजुअल आई सेड खुद स्टडी करो, चेक करो, देन मैं इसको चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।